बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज मेरी फेवरेट रेसिपी, ठीक है, जिसको जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फेटीचिनो अल्फ्रीडो पास्ता। ठीक है जी, रेस्टोरेंट में तो हमने खाया होगा, लेकिन आज हम घर पे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिया है इस तरीके से, और उसको 2 किलो की मुर्गी थी, ठीक है, मैंने उसकी ब्रेस्ट लदक करा ली और इस तरह उसके ना 4 पीस करा ली। ठीक है, सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसको मैंने धो लिया अच्छे तरीके से। मैरिनेशन के लिए जो मैंने मसाले लिए हैं, यहाँ पर 1 टीस्पून तड़ा मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1/2 टीस्पून नमक ले लिया है और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला जो है ना, ये आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, नहीं है तो रहने दें, ना डालें, ये ऑप्शनल है टेस्ट अच्छा करने के लिए चिकन का। मैंने ये ऐड कर रही हूँ, आपके पास तंदूरी नहीं है तिक्का मसाला डाल दें, ठीक है, बारबेक्यू वाला जो भी आपने डालना है डाल सकते हैं टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, नहीं शामिल करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टीस्पून जर्दा कलर। ये हम जब चिकन को मैरिनेट करेंगे उसके ऊपर जो कलर आएगा हल्का हल्का बड़ा प्यारा सा आएगा, तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून ज़्यादा कलर ले लिया है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून ही लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। चलिए अब हम इसको सबसे पहले चिकन का जो है वो हम पीस लेंगे। इसको जो है, आपके पास कोई भी भारी चीज़ है तो इसके मसल्स हमने पहले ब्रेक करने हैं, तो मसल्स मैं ब्रेक करूँगी। मेरे पास जो है ये स्टील का है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से मारेंगे ताकि इसके मसल्स ब्रेक हो जाए। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपने जो इसकी मैरिनेशन करनी है ना, तो मसाला अच्छे तरीके से जज्ब नहीं होगा क्योंकि ये बोनलेस है, ठीक है। तो जब मसल्स टूट जाते हैं तब मसाला जो भी हम इसके ऊपर लगाएंगे बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैरिनेशन होगी। तो मैं चारों फिलेट्स के जो है ना इस तरह मसल्स ब्रेक कर देती हूँ, फिर आपके सामने आते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में जो है 2 टेबल स्पून लेमन जूस ले लिया। ये हमारे जो चिकन है इसको बहुत ज़्यादा टेंडर और जूसी बनाएगा, तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ही पानी ले लूँगी, ठीक है जी, ज़्यादा आपने नहीं लेना, बस इतना। उसके बाद जो मैंने आपको मसाले बताए हुए थे, ठीक है जी, ये सारे ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, मैंने डाल दिया सारे। उसके बाद यहाँ पर मैं ऑयल डालूंगी, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून हम डाल देंगे, बाद में जब मैं इसको फ्राई करूँगी ना फिर मुझे ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। कोई सा भी शामिल कर दे, ज़रूरी नहीं ऑलिव ऑयल ही आपने शामिल करना। उसके बाद हम सोया सॉस शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है, चिली सॉस शामिल कर दें, वो नहीं है तो सिरका शामिल कर दें, लेकिन अगर आपने सिरका शामिल करना है तो फिर आप लीमू नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। जब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो गया ये। अच्छा जी, अब हम इसमें जो है 3 टेबल स्पून जो है वो दही डाल देंगे, ये भी चिकन को बहुत ही ज़्यादा जूसी बना देगी। ये जो ऑयल है ना, एक तो ये है कि वो भी चिकन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा, तो इसलिए मैंने ऑयल भी अभी शामिल कर दिया। तो जिस तरह की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ बिल्कुल एज इट इज़ उस तरीके से फॉलो किया करें। अब हम इस दही को बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो मैंने चिकन फिलेट्स रेडी किए हुए थे उसको जो है इसके अंदर डिप करेंगे इस तरीके से, ठीक है जी, ताकि इसको अच्छे तरीके से हम मैरिनेट कर सकें। ये 4 चिकन फिलेट्स थे, इनको मैंने इस तरीके से डिप कर दिया, ठीक है जी, इस तरीके से जो है वो हमने कर लिए। अब मैं इसको जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट होने के लिए रख दूँ। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है तो तब तक मैंने कहा हम अपने पास्ते को बॉईल कर लेते हैं, तो यहाँ पानी रख दिया है उबलने के लिए, और पानी जो है वो बॉईल होने को है, तो इसमें 2 टेबल स्पून हम डाल देंगे नमक, और साथ में हम इसमें डालेंगे ऑयल, ठीक है, ताकि हमारा जो पास्ता है वो चिपके नहीं, ठीक है जी। इसको अब हम बॉयल आने देंगे। देखिए जी, पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें ये वाला जो है ना मैंने लिया है फेटुचिनी पास्ता, ठीक है, आप किसी भी कंपनी का ले लें, ज़रूरी नहीं इसी का ही लेना। तो अब हम ये जो पास्ता है, सारे बॉल्स हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ते के ऊपर जो है वो टाइम मेंशन होता है, तो इस पर भी जो है वो टाइम मेंशन है, 6 से 7 मिनट में जो है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो पक जाएगा। तो 6 से 7 मिनट बाद जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगा तो फिर आपके सामने आते हैं। ये जो आपको बॉल्स नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल जो है जब पानी में मैंने डाला ये देखिए खुलना शुरू हो गई हैं, तो 6 से 7 मिनट बाद फिर मैं आती हूँ।
देखें जी, बड़े अच्छे तरीके से जो हमारा पास्ता जो है वो ये देखें बिल्कुल कुक हो गया है। ठीक है, अब जो है मैं इसको स्ट्रेनर के अंदर जो है वो निकाल लूँगी। चलिए देखें, मैंने इसको जो है एक टोकरी है, ठीक है, स्ट्रेनर है वो आपके पास, उसमें भी निकाल सकते हैं। अभी अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जुड़ जाता है, तो हमने इसको ऊपर जो है ना ठंडा पानी इस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से ना इसको धो लेना है ठंडे पानी से, ताकि आपस में जुड़े नहीं। अच्छा जी, ये देखें हमने चिकन जो है वो फ्रीज़र से निकाल लिया, बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। यहाँ पर जो है वो मैंने पैन भी जो है वो रख दी है चूल्हे पे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर जो है ना अब हम चिकन को करेंगे फ्राई। तो चिकन को फ्राई करने के लिए जो है वो सबसे पहले जो भी चिकन की स्ट्रिप्स हैं उसको इस तरीके से रखूँगी। देखिए कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से ये हुआ हुआ, इस तरीके से मैंने रख दिया। अब ये जो हमारे पास है ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, इसको इसके ऊपर ही जो है वो आपने डाल देना है, ताकि हमारा चिकन जो है इस पानी से ही अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन ये 6 से 7 मिनट में गल जाएगा। अच्छा जी, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया। अब मैं फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगी। अच्छा जी, अब जो है हम सॉस तैयार करेंगे पास्ते के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया। ठीक है जी, अब हम इसको लाइट गोल्डन होने देंगे। जी लाइट गोल्डन हो गया, अब हम इसमें जो टेट्रापैक मिल्क होता है, ठीक है, वो मैं 1 कप 1½ कप जो है इसमें शामिल कर देती हूँ। अच्छा जी, अब हम जो है ना इसको बॉयल आने देंगे। देखिए जी, जो गार्लिक का कलर है हल्का हल्का, वो क्रीम के ऊपर जो है वो कलर आ रहा है लाइट सा, आपने बस चेंज करना है। इसको बॉयल आने देते हैं जी। क्रीम को जब वो बॉयल आना शुरू हो गया, ये बबल्स बनना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं 1½ कप जो है वो मिलकर शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो मसालों में जाएगा वो 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हसबे जायका और हसबे ज़रूरत नमक जाएगा, तो ये इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 2 चिकन क्यूब्स जो है वो मैं शामिल करूँगी। इससे टेस्ट जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला आएगा, जिस तरह आप रेस्टोरेंट में खाते हैं उस तरीके से ये शामिल कर दूंगी। और हम अब चम्मच हिलाएंगे। अच्छा, आपने इसमें जो है वो मैदा जो है वो शामिल नहीं करना। अगर आप मैदा इसमें शामिल कर देंगे तो ये फिर अल्फ्रेडो पास्ता नहीं कहलाएगा, ये फिर व्हाइट सॉस पास्ता में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने जो है सिर्फ क्रीम और दूध जो है वो इसमें शामिल करना है, और इसको जो है अब हम हल्का सा गाढ़ा होने देते हैं। देखें जी, जो हमारी सॉस है, ठीक है जी, ये देखें बिल्कुल हल्की सी थिक होना शुरू हुई है, ज़्यादा नहीं। तो इस स्टेज पे जो है वो यहाँ पर मैंने स्लाइस में मोजरेला चीज़ कट करके रख ली थी, ये शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, श्रेडेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मोजरेला जो है वो शामिल की है। अब हम इसको मेल्ट होने देंगे। हमारी जो सॉस है उसमें जो चीज़ है बड़े अच्छे तरीके से मेल्ट होगी, ये चेक करें ज़रा, ये मोजरेला चीज़ का कमाल है। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता बहुत ही एहतियात से। हम इसको जो है वाइट सॉस के अंदर जो है वो मिक्स करेंगे, ठीक है जी, बड़े एहतियात से इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम आंच जो है वो तेज़ कर देंगे। तो अभी मुझे जो है वो मिल्क कम लग रहा है, तो मैं अब क्या करूँगी इसके अंदर इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आपको मिल्क कम लगे तो फिर इस स्टेज पे जो है हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। वो तो 1 कप जो है वो मिल्क और इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, अब हम इसमें जो है ना 1 कप और शामिल करेंगे, ताकि हमारा जो पास्ता है उसका बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ठीक है जी, ये शामिल करने के बाद अब मैं इसको 2 से 3 मिनट जो है वो पका लूँगी इसके अंदर, और फिर मैं फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। जी सॉस देखें हमारे साथ साथ जो है वो थिक हो रही है, तो इस टाइम पे जो हम ऑरिगेनो डालेंगे या मिक्स हर्ब। तो मेरे पास मिक्स हर्ब नहीं थी, तो ऑरिगेनो था, तो मैंने जो है ना 1 टीस्पून जो है हम इसमें शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना आपने। ठीक, चलिए देखें इस तरीके से जो है नाइफ से जो है वो मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर इसकी स्ट्रिप्स में इसको कट कर लिया। इस तरीके से जो है तो मैंने डिश आउट कर दिया। इस तरीके से बेसिकली जो है ना ये सर्व किया जाता है। तो ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज जो है वो मैंने आज अल्फ्रेडो पास्ता बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खुश नहीं आबाद नहीं दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।